ज़िला प्रशासन यहाँ पे इस समय हाजिर है और जो सिचुएशन इस समय है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं नज़दीकी से, और फ़िलहाल जो धरना है वो शांतिपूर्ण तरीके से दिया जा रहा है, और ऑर्गेनाइज़र्स को भी बताया गया है कि इसको शांतिपूर्वक ही रखें, उनसे अपील भी करी गई है। आसपास के सभी इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उन सभी से प्रशासन ने ये अपील करी है कि जो उनके आयोजकों द्वारा सूचना हमें दी गई है कि वो धरने को शांतिपूर्वक रखेंगे, उसे इसी प्रकार वो रखें। देखिए, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजर्स ने जो अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि जसिया विलेज जो कि रोहतक पानीपत हाईवे पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने तय किया था, और फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट में और किसी जगह पे नहीं है। अच्छा, टोटल कितनी फोर्स लगाई गई है? देखिए, ये आकलन हमारा सिचुएशन के मुताबिक होता है, इसके डिटेल्स में इस समय सबके आगे डाइवर्ज नहीं कर सकता। अच्छा सर, सर ये बताइए कि अब की बारी आपने क्या प्रिकॉशंस लिए लास्ट टाइम? देखिए, प्रिकॉशंस हमने हर प्रकार से लिए हैं, जो भी पिछली बार हुआ था उससे ध्यान में रखते हुए उससे कई सारे कदम उठाए गए हैं। पीस बिल्डिंग मेजर्स भी बहुत बड़े पैमाने पर इस बारी अंडरटेक हुए हैं, और इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे कि इंटरनेट सेवाओं पे रोक लगवाना और लोगों से निरंतर ये पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के थ्रू उनसे अपील करना, उनको अवेयर करना कि वो कानून की पालना करें और किसी भी प्रकार से दूसरे लोगों को असुविधा ना होने दें, और अफवाहों पे हमने लोगों को कहा है कि बिल्कुल भी भरोसा ना करें, और कोई भी बात उनके सामने आती है तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो संपर्क करें ताकि उनकी किसी भी प्रॉब्लम का हम समाधान तुरंत निकाल सकें। अगर कोई फिर भी बाद में कोई करता है तो देखिए, हम कानून से हम अधिकृत हैं कि हमें इमीडिएटली रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करना है, और उसके लिए हम तत्पर हैं। Still, how long section 144 will be imposed in this particular area? Well, it depends. It has been enforced by the district magistrate, so he has taken a call. Let's see. We are continuously monitoring the situation, and if needed, it will be reviewed periodically. Sir, last time खास तौर से जो लोगों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि पुलिस को कॉल कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर रहे थे, कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था, दुकानें जल रही थी और आगजनी हो रही थी, तो क्या इस तरह का कोई नहीं हो? पिछली बार स्टार्ट हुआ तो क्या उसके लिए आपने किया है? देखिए, हमने जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको हमने दुरुस्त किया है, और सभी SHOs हमारे ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आप लोगों के माध्यम से मीडिया प्रेस के माध्यम से लोगों में दोबारा पहुँचाए गए हैं, और परमानेंट वहाँ पर 24/7 रिस्पॉन्स मिले इसके लिए ड्यूटीज़ तय करी गई हैं। कंट्रोल रूम में एक गैजेटेड रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो 24 घंटे वहाँ मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा हम लोगों से खुद इस बारी जुड़े हैं, हमने उनसे बातचीत करी है, उनके बीच में गए हैं, लगातार फ्लैग मार्चेस कंडक्ट हुई हैं, तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस दिला सकें। और जहाँ तक कि अब तक की बात है, मैं ये बता सकता हूँ कि रोहतक ज़िले में इस समय सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है, और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए ज़िला प्रशासन बिल्कुल तैयार है। थैंक यू।